ब्लू कलर। हेलो गाइज, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माई न्यू ब्लॉग। तो गाइज, आज हम जाने वाले अपनी फॉर्चुनर लेने के लिए, जो कि मैंने पूरी ब्लैक करवा दी थी। तो चलते हैं शोरूम पे, फिलहाल मस्त रेडी हो गया हूँ, अभी दिल्ली में हूँ भाई। 17 दिन हो गए, अभी तक मैं घर नहीं गया भाई, और आज इतना अच्छा लग रहा है। मैं इंडिया से ब्लॉग स्टार्ट कर रहा हूँ, दिल्ली से। तो फाइनली आज फॉर्चुनर लेने जाएंगे, देखते हैं कितना टाइम लगता है, नहीं तो फिर आज ही हल्द्वानी निकल लेंगे। पूरे 17 दिन हो गए भाई, देखते हैं कितना टाइम लगता है शोरूम में, वहाँ पर डिलीवरी लेंगे गाड़ी की, देखेंगे कैसी लगती है अपनी ब्लैक फॉर्चुनर, और फिर लेके निकल लेंगे। और हाँ, मैं आज आईफोन 15 भी लेने वाला हूँ, 15 जो नया आया ना, तो वो भी आज मिलने वाला है हमको। दो चीज़ें, एक तो नई फॉर्चुनर और आईफोन 15 प्रो, वो भी 1 TB। तो आज दो काम है दिल्ली में, इसलिए मैं दिल्ली रुक गया, तो मैं सुबह सुबह ही निकल गया 4 बजे। चलो भाई, पैकिंग हुई है, अब फिलहाल निकलता हूँ मैं। मेरे पूरे 5 बैग हैं, 2 सूटकेस हैं, 2 ये हैं, और एक मैंने टांग रखा है। ड्रोन का बैग अलग है, साइड वाला बैग है वो अलग है, वो इसके अंदर डाल रखे मैंने। वैसे मेरे 7 बैग होते टोटल, 7। नीचे आ गया, सारा सामान डालते गाड़ी में। तो गाइस, अभी मैं आ चुका हूँ होटल से बाहर, और ये देखो भाई, आज चला रहे हैं मस्त ऑडी। क्या मस्त लग रही है, देखो ऑडी A4 है ये। पूरा दिन यही चलाऊंगा मैं, जब तक मेरे को मेरी फॉर्च्यूनर नहीं मिल जाती। तो अभी मैं जा रहा हूँ पहले तो पीरू को पिक करने के लिए, फिर उसके साथ में चलेंगे आईफोन लेने के लिए, और फिर चलेंगे अपनी फॉर्च्यूनर लेने के लिए। और एक गाड़ी हमको मिली है TDT से, जहाँ से हमने हमारी सुपर कार ली थी ना, वहीं से मिली है गाड़ी। तो वहाँ से मैं कोई भी गाड़ी ले सकता हूँ, जो उनके पास खड़ी हो ना चलाने के लिए, वो दे देते हैं। देख लो गाइस, मतलब आप लोगों की वजह से, मतलब एक टाइम ऐसा था जहाँ मैं कोई पूछता हुआ अपनी गाड़ी में भी नहीं बिठाता था भाई, और अब देख लो कोई भी कार हम चला सकते हैं कहीं भी, कितने भी टाइम के लिए रख सकते हैं। ऑनेस्टली बता रहा हूँ गाइस, जो सच्चाई है वो बता रहा हूँ आपको, कि हाँ आप तो मतलब सब पूछते हैं, सब कोई कुछ भी दे देता है, बट पहले कोई नहीं पूछता था। तो आप लोगों की वजह से सब कुछ है, पूरी लाइफ चेंज हो गई है। और आईफोन भी मुझे तभी मिल रहा है, पहला दिन है आज, आईफोन भी तभी मिल रहा है। हमारे दोस्त हैं एप्पल में, तो उनसे बात की, तो उन्होंने अरेंज करा दिया कहीं से भी। और हाँ, ये मैं सुना कि सुपर कार भी मैंने ऐसे लिया है, सुपर कार मैंने पैसे दे के अच्छे से लिया, पेमेंट करके। सुपर कार मेरी खुद की है, तो थैंक यू TDT, जो भी गाड़ी चाहिए हमको दे देते हैं वो। और थैंक यू आप सबको भी गाइस। हेलो हेलो, कैसे हो? मैं ठीक हूं, तुम कैसे हो? बस बढ़िया। तो पता कहाँ जा रहे हैं हम? गाड़ी का कवर चढ़ा रहे हैं। एक और चीज लेने जा रहे हैं, क्या? आईफोन 15 प्रो 1 TB। पीरू को पिक कर लिया है, अब हम जा रहे हैं सीधा यहाँ से नोएडा। और बताओ क्या हाल चाल? बढ़िया, तुम बताओ? काफी टाइम के बाद मिल रहे हैं, मस्त घूम के आ रहे हो। लेकिन अपना इंडिया तो इंडिया है भाई, इंडिया में जितने फ्रीडम से गाड़ी चला पाते हैं, देखो कितनी मस्त लग रहा है। ऐसे मतलब बाहर नहीं चला पाते, कभी कभी घूमने के लिए, कुछ दिनों के लिए ठीक है बाहर। तो गाइज, आज आप सबको बताते हैं कि हम मिले कैसे थे। काफी लोग पूछते हैं कि तुम पीरू से कैसे मिले। बात है उस टाइम की, 2017 की। हाँ। जब हम दोनों मतलब स्ट्रगलिंग आर्टिस्ट थे, हम दोनों को ड्राइंग बनाना बहुत पसंद था। आप लोगों को पता होगा मेरा आर्ट चैनल है, सबसे मेन चैनल तो मेरा वही था, आर्ट के थ्रू ही मिले थे। आगे पीरू बताएगी अब। फिर उसके बाद फिर मैं इसका चैनल देखती थी, तो मैंने इससे ना बहुत सारी चीजें देखी थी, इसके चैनल से सीखी सारी स्केचिंग वगैरह, और पोर्ट्रेट बनाना सीखा था। फिर मैं देखते देखते मेरे को बहुत अच्छा लगा, तो फिर मैंने बात करने की कोशिश करी, फिर मैंने मैसेज किया था, तब हमने बात की थी। फिर हमारी आर्ट से रिलेटेड ऐसे बात होती रही, और सबसे मेन तो हमारी वाइब वो मैच हो गई, एकदम सेम 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 बातें, सेम सेम हर सब कुछ। और दोनों आर्टिस्ट, तो हम आर्ट की बातें करते थे मस्त मस्त। उस टाइम पे मैं हरियाणा में रहता था, हरियाणा में उस टाइम फेमस नहीं था ज्यादा। हम जब पहली बार मिले भी थे उस टाइम भी मतलब कोई जानता नहीं था हमको, ज्यादा लोग मिल नहीं रहे थे। लेकिन ना मुझे पीरू से एक जेलसी होती है। क्या? क्योंकि पीरू ना मेरे ड्रीम कॉलेज में पढ़ती थी, अब तो पास आउट हो गई है, तो जो कॉलेज मुझे नहीं मिला वो पीरू को मिल गया था। गाइस, अगर मेरे को कॉलेज मिल जाता ना, तो मैं यूट्यूब पे ना होता, तो हम दोनों साथ में होते कॉलेज में, तो हम साथ में कॉलेज करते। मुझे कॉलेज मिला ही नहीं और मैं यूट्यूबर बन गया, और आप लोग मुझे जानते हो अब, नहीं तो फिर जानते भी ना होते, हम दोनों को ना जानते होते आप लोग, बस हम एक दूसरे को जानते होते, आप लोग ना जानते होते। तो मैंने सौरभ का चैनल देखना शुरू करा था, सौरभ जोशी आर्ट्स वाला, तो ना वो इतना मस्त चैनल लगा मुझे, क्योंकि उसमें हर चीज की वीडियो थी, और वो भी इतने सिंपल तरीके से ना। तो जैसे बहुत सारे चैनल में ऐसा होता है कि बहुत कॉम्प्लिकेटेड तरीके से बताते हैं, लेकिन इसके चैनल में इतना इजीली बता रखा था, मैं तो इतनी खुश हो गई कि भाई किसका चैनल है। और फिर मैंने इतनी सारी वीडियोस देखी, और फिर मैंने ऐसे ही पोर्ट्रेट सीखा, फिर मेरे को बहुत मन था कि मैं इसको बताऊं कि इसका चैनल बहुत अच्छा है, तब मैंने इससे बात करी थी। इसने मेरे को 500 रुपये दिया ये सब बोलने के। तो गाइस, पहुंच गए नोएडा, यहाँ पे जाना हमको, यहाँ पे एप्पल स्टोर, यहीं पे मिलेगा हमको आईफोन 15 प्रो। गाड़ी पार्क बहुत डर हो जाता है। तो गाइस, गाड़ी पार्क कर दी है, अब चलते हैं एप्पल स्टोर और लेते हैं अपना आईफोन 15 प्रो 1 TB। तो गाइस, एप्पल स्टोर तो पहुंच गए, लेकिन यहाँ इतनी भीड़ हो रही है ना गाइस, यहाँ पे इतनी ज्यादा भीड़ हो रही है ना, देखो कितनी भीड़ है, बहुत शोर भी हो रहा है।
बस हमारा आईफोन मिलने वाला है हमको। गाइस ये कह रहे कि यहीं पे ओपन करना है, चलो ओपन करते हैं यहीं पे। ब्लू कलर। तो गाइस फाइनली आईफोन 15 प्रो 120 मिल चुका है हमको। अब चलते हैं सीधा अपनी फॉर्च्यूनर लेने के लिए। लेकिन भाई इतनी भीड़ हो रही थी ना यहाँ पे। चलो भाई अब चलते हैं। लेकिन गाइस उन्होंने फोन खुलवा दिया यार मुझसे, मैं सोचा था घर जाके मस्त अनबॉक्स करता। पहुंचने वाले हैं, सिर्फ 7 मिनट रह गए, 4 किलोमीटर रह गए बस। तो गाइस फाइनली पहुंच चुके हैं डिटेलिंग बुल, यहीं पे खड़ी हमारी फॉर्च्यूनर अंदर। अरे वो खड़ी वही है। हाँ वही है, लाल कलर करवाया है। लाल तो कपड़ा ढका हुआ है ना कपड़ा। गाइस अभी तक मैंने भी नहीं देखी है, तो भी रिवील करेंगे। वेलकम, थैंक यू सो मच। कैसी लग रही है? मेरे को तो बहुत बढ़िया लग रही है। चलो गाइस अब टाइम आ चुका है अपनी नई फॉर्च्यूनर को रिवील करने का, देखते हैं कैसी लग रही है। 3, 2, 1 गो। ये तो बहुत मस्त लग रही है ब्लैक में। तो भाई दिखाना कैमरे में कैसी लग रही है। कैसी लग रही है? मस्त लग रही है। वाइट या ब्लैक? ब्लैक तो एकदम दूसरी गाड़ी हो गई है ना। मैंने सोचा नहीं था इतना मस्त लगेगी। देखो एकदम मस्त चमक रही है, पीछे से भी एकदम मस्त फुल ब्लैक। एक बार फिर से आ चुके हैं वेद सर, जिन्होंने हमारी फॉर्च्यूनर को कितना सुंदर एकदम ब्लैक बना दिया है। तो हाँ बताएंगे क्या करवाया इसमें। चलो तो हमने पूरी गाड़ी पे इस पे ब्लैक PPF करी है। हाँ गाइस ये ना ये कोई रैप नहीं है, ये है ब्लैक PPF जिससे मतलब स्क्रैच वगैरह लगेंगे, तो ये रैप नहीं है। सो रैप नहीं है, रैप और PPF में मेजर फर्क ये होता है कि इसकी स्ट्रेंथ बड़ी हाई होती है। सो नॉर्मली एक तो ये प्रोटेक्शन भी देगी स्क्रैचेस से, और आपका कलर जो चेंज करने का शुभ मन था वो भी इसमें पर्पज सॉल्व हो गया। बहुत नेक्स्ट लेवल लग रही है एकदम। और तो ये ऊपर मैट में आती है, बट हमने इसको भी ग्लॉस किया क्योंकि मैट के साथ ग्लॉस जा नहीं रहा था, और थोड़ा सा बॉडी पेंट का काम था क्योंकि कहीं छोटे मोटे स्क्रैचेस थे, तो थोड़े बहुत टचअप वचअप किए हैं जो जिससे फिनिशिंग है। मतलब एकदम नई हो गई है, एकदम नई ब्लैक फॉर ब्लैक लेजेंडर। बट रियल में तो और भी मस्त लग रही है, मतलब कैमरे में उतनी मस्त लग रही है जितनी रियल में लग रही है, और आगे से तो एकदम बीस्ट लग रही है। देखो अंदर से पूरी गाड़ी क्लीन करी है। जब आप कभी थोड़ी और पुरानी हो जाएंगी ना सीट्स, तो हम इसको रिस्टोर भी कर सकते हैं लेदर्स को, बट अभी कंडीशन थी नहीं रिस्टोर करने वाली। हाँ अभी तो ज़्यादा टाइम नहीं हुआ। गाड़ी का ओरिजिनल कलर ये है, देखो यहाँ पे वाइट है ना, तो वो यहाँ से दिखेगा बट बाहर से नहीं दिखेगा, बाहर से पूरी ब्लैक है। तो गाइज अगर आपको भी करानी है तो आप करवा सकते हो डिटेलिंग बुल से। हमने यहाँ से अपनी पोर्शा भी कराई थी PPF, और देखो अब लेजेंडर भी। चलो अब लेके चलते हैं अपनी फॉर्च्यूनर को और इसमें सारा सामान डालते हैं। अब देखो भाई सनलाइट में कैसी लग रही है। इतना सारा सामान सिर्फ लेजेंडर में ही आ सकता है। ठीक है सर चलते हैं फिर, थैंक यू सो मच। तो गाइस अपनी न्यू फॉर्च्यूनर लेके निकल गए हैं, तो कैसी लग रही है? मस्त लग रही है एकदम, तो वाइज ऐसी काली काली। हाँ मैंने इसलिए आज ब्लैक कपड़े डाले। सामने से बहुत सारी फॉर्च्यूनर आ रही है। और भाई इसको चलाने में तो अलग ही लगता है भाई, एकदम ऊंची ऊंची है ना देखो। तो पीरू को बाय बाय कहने का टाइम आ चुका है, पीरू ने कैब मंगा ली अपनी, तो पीरू की कैब आ गई है। ओके बाय बाय। तो अब चलते हैं अपने दिल्ली वाले घर, और कल चलेंगे हल्द्वानी सुबह सुबह 4 बजे निकलूंगा मैं, क्योंकि सुबह सुबह सही रहता है ना। अभी निकलूंगा ना अभी अंधेरा हो जाएगा, ऑलरेडी 4 बज चुके हैं। तो भी गाइस पहुंच गया हूँ दिल्ली वाले घर पे, अब फिलहाल खाना ऑर्डर करूंगा, खाना खाऊंगा, एडिटिंग करूंगा और फिर सो जाऊंगा, क्योंकि कल सुबह सुबह निकलना है हमको हल्द्वानी के लिए फाइनली। और ये रहा हमारा न्यू आईफोन 15 प्रो, तो ये ब्लू कलर ही मिला मुझे 1 TB में। और अब की बार देखो गाइस टाइप सी टू टाइप सी केबल है इसमें। गाइस नया फोन इसलिए लिया बिकॉज पुराने फोन का हाल देखो भाई। भाई मैं इसको कब से इसको यूज कर रहा हूं, मैं लंदन पूरा इसको यूज कर लिया। तो फिलहाल मैं डिनर करता हूं, दाल रोटी मंगाई थी मस्त, खाना खाता हूं, स्लो करता हूं। एंड आई होप आपको पसंद आया होगा, पसंद आया तो लाइक कर देना एंड चैनल पर सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। तो गाइस गाड़ी पा